हेलो दोस्तों, मैं राज राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, जो आप लोग हमारे कमेंट में क्वेश्चन पूछते हो मेरे से, उसका मैं आपको आंसर देने के लिए आया हूँ। दोस्तों, इसमें बहुत सारे जो आंसर है मैं अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेके आपको बताऊंगा और समझाऊंगा भी, और बहुत ऐसा जो आंसर हमारे पास आता है उसका रिप्लाई भी करूंगा। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो ऑल गाइड ने हमसे क्वेश्चन किए कि उसमें क्या क्वेश्चन है, फैन नहीं शॉर्ट हो सब ठीक है, फैन भी ठीक है, यानी फैन नहीं चल रहा है सब कुछ ठीक है, तभी भी इससे फैन नहीं। सर, इनका कहने का मतलब क्या है, इनका फैन सही है फिर भी आपका फैन नहीं चल रहा है। तो आपको मैं बताता हूँ इसके जानकारी के लिए। आपको सबसे पहले क्या होता है कि जहाँ पे फैन का जेक होता है वहाँ पे आपको 18 वोल्ट चेक करना है पॉजिटिव, और निगेटिव कब आता है वहाँ पे, जब आप जो कीपैड होता है कंट्रोल पैनल होता है वहाँ से जब ऑन करते हो उसके बाद वहाँ पे निगेटिव आएगा। तो वहाँ पे निगेटिव के लिए स्विचिंग के लिए NPN ट्रांजिस्टर लगा रहता है जो 80-50 के रूप में लगा रहता है। तो दोस्तों, उसमें क्या होता है कि अगर मान लो आपका फैन सही है, अगर नहीं चल रहा है तो ट्रांजिस्टर को आपको चेंज करना है, और उसके बाद चेंज करने के बाद फिर से क्या करना है, कंट्रोल पैनल से ऑन ऑफ करने के बाद डायरेक्ट कहाँ पे जो फैन का सॉकेट है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव पे 18 वोल्ट चेक करना है। अगर 18 वोल्ट आ रहा है तो 100% आपका फैन चलेगा। तो आपको यहाँ पे इस टाइप का काम करके देखना है। ओके, उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, IC गर्म होता है, 5 वोल्ट ड्रॉप होने से IC चालू नहीं होता है, क्या खराब है? तो इनका जो है आंसर ये है कि हमारा IC जो है गर्म हो रहा है और 5 वोल्ट जो होता है वो ड्रॉप कर रहा है, तो आपका जो IC है वो शॉर्ट हो गया है। अगर आपका IC शॉर्ट हो जाएगा तो जो हमारा पावर सप्लाई से एक रेगुलेट IC लगी रहती है 7805, वहाँ से 5 वोल्ट आउटपुट होती है। तो IC अगर ख़राब रहेगा, शॉर्ट रहेगा, तो आपका जो 5 वोल्ट है वो ड्रॉप होगा, तो आपका IC 100% ख़राब है। ओके, एक और मेरे पास क्वेश्चन आया है, आपको मैं बता देता हूँ। अगर माइक्रो कंट्रोलर IC खराब हो तो IC कैसे रिप्लेसमेंट करें, क्या हर ब्रांड का माइक्रो कंट्रोलर IC सेम होता है? जी नहीं, हर ब्रांड का जो IC होता है सेम नहीं होता है, हर ब्रांड में हर मॉडल का अलग अलग IC आता है। तो आपको एक क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मार्केट में आप जाओगे IC लेने के लिए तो आपको IC मिलेगी नहीं। उसके बाद क्या होता है कि IC का नंबर आप देखते हो, नंबर से नहीं आता है IC, तो नंबर जो रहता है जो ब्रांड रहती है उसका कोडिंग नंबर है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले उसके लिए करना पड़ेगा कि आपको जो मॉडल है कौन सी कंपनी का है मॉडल नंबर नोट करके आप सर्विस सेंटर में जाएंगे तो आपको IC आसानी से मिल जाएगा। ओके, और हमारे पास क्वेश्चन है, भाई IGBT चेंज करने के बाद भी इंडक्शन तो ऑन हो गया पर उस पर बर्तन रखने से स्पार्किंग हुआ और IGBT फिर से उड़ गया, इसका प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले आप IGBT रिप्लेसमेंट कर दिए, तो IGBT जो शॉर्ट होता है वो कोई ना कोई कारण के वजह से क्या होता है, हमारा IGBT शॉर्ट होता है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है IGBT शॉर्ट होने का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो 1200 वोल्ट का कैपेसिटर लगा रहता है 0.33 MFD का, उसको आपको देखना पड़ेगा, उसको तो लूज तो नहीं है। ये चीज़ को देखने के बाद में उसके बाद जो आप पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में ट्रांजिस्टर लगा रहता है उसको देखना पड़ेगा। ये उसके बाद में क्या होता है, कभी कभी जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड रहता है वहाँ पर क्या होता है, कार्बन आ जाता है, इसके नाम से स्पार्किंग होता है, तो IGBT शॉर्ट हो जाता है। उस 3-4 जो आपको पॉइंट बताऊँ उसको आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, ये हमसे जो क्वेश्चन किए थे अनुभव सिंह ने किए थे। ओके, अब हमारे पास आया राजेश भैया ने हमसे क्वेश्चन किया है, कैपेसिटर फटने का कारण बताइए, और मेरे इन इंडक्शन का दोनों कैपेसिटर फट गया है। तो राजेश भैया, मैं आपको जानकारी से बताया, तो जो कैपेसिटर फटने का कारण क्या होता है कि दोनों कैपेसिटर फटता है, पहला आपका जो क्वाइल है वो आपको ओवर हीट हो गया होगा, या क्वाइल जो होती है थोड़ी सी हीट हो जाती है, कहने मतलब कॉपर का क्वाइल देखते हो थोड़ा सा जल जाता है। जलने से क्या होता है, हमारे जो कैपेसिटर होता है उसके ऊपर लोड पड़ता है, उसकी वजह से कैपेसिटर फटता है, या जो क्वाइल का पॉइंट होता है उसके वजह से क्या होता है, जल जाता है क्वाइल का पॉइंट, जो इनपुट और आउटपुट होता है वो जल जाएगा, वो भी तभी आपका कैपेसिटर फटेगा। और तीसरा जो कारण होता है इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपके पास लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज कहने मतलब क्या होता है कि 190 या 200 यानी 200 के करीब में है, तो क्या होता है कैपेसिटर के ऊपर लोड पड़ेगा, क्योंकि कैपेसिटर का काम क्या होता है कि IGBT को प्रॉपर सप्लाई चाहिए, 300 वोल्ट में IGBT आपका स्विचिंग होता है नॉर्मली, तो उसके लिए कैपेसिटर पर लोड पड़ता है, तो इसके नाम से कैपेसिटर फटता है। और दोस्तों, आज का जो हमारा कमेंट बॉक्स का सेक्शन तो समाप्त हो चुका, और दोस्तों आपको जानकारी के लिए बताया था कि अगर आप मेरे को कॉल करते हो तो क्या होता है, हमारे पास डेली के समझ लो 10 से 12 घंटा जॉब करता हूँ किसी के यहाँ, तो वहाँ पे मोबाइल से बात करना अलाउ नहीं है, तो आप
आप लोग से हाथ जोड़ के सॉरी बोल रहा हूँ कि मैं आपसे कॉल पिकअप नहीं करता हूँ, कॉल का जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो दोस्तों आजकल मैं क्या करता हूँ कि आप हमारे वीडियो जहाँ देखते हो उस वीडियो में अगर कुछ भी पूछना है तो आप मेरे से क्या करो, कमेंट करो। मेरे को संडे यानी हफ्ते में एक दिन संडे को छुट्टी मिलता है अपने शॉप की तरफ से, उस दिन आप टाइम निकाल के आपका आंसर दूंगा और आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इससे क्या होता होगा कि जितने सारे लोग देखेंगे उनको भी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा, आप भी सीखोगे मैं भी सीखूंगा। दोस्तों आज का कमेंट बॉक्स देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं राज।